नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है हिमांशु मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टूडेंट लाइफ ब्लॉग। हमारा एक पुराना भी चैनल है द नॉलेज स्कूप, उसका नाम लगभग मैं भूलता चला जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग के जो कमेंट्स हैं उस पर रेगुलर आते रहते हैं तो याद आता रहता है कि एक अपना पहला भी चैनल एक है अपना। इस पर हम एजुकेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं, BHU की हर एक चीज़, हर फैकल्टी, हर एक डिपार्टमेंट को दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला है कि ये जो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है उसमें कितने हॉस्टल हैं टोटल। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के टोटल 4 हॉस्टल है। पहला है आपका मूना देवी, दूसरा ANDE आचार्य नरेंद्र दास, तीसरा है राजा राम, चौथा है पंडित ब्रिजनाथ हॉस्टल। तो पंडित ब्रिजनाथ हॉस्टल किसके नाम पे है? पंडित ब्रिजनाथ हॉस्टल पंडित मदन मोहन मालवीय, जो यहाँ के संस्थापक हैं BHU के, पूरे BHU के संस्थापक हैं, द कैपिटल ऑफ नॉलेज के, उनके पिताजी के नाम पे, पंडित ब्रिजनाथ के नाम पे हॉस्टल रखा गया सोशल साइंस फैकल्टी का। मूना देवी उनके माताजी का नाम था, इसलिए मूना देवी सोशल साइंस फैकल्टी के मूना देवी हॉस्टल को नाम दिया गया। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस वालों को क्या हॉस्टल मिलता है, मतलब कितने हॉस्टल फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के पास हैं? तो तुरंत मैं बताता हूँ, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के पास सिर्फ 4 हॉस्टल हैं। सिर्फ मैं 4 हॉस्टल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल सिर्फ मैं इंक्लूड किया हूँ, गर्ल्स हॉस्टल को अभी नहीं कवर किया गया है। सिर्फ 4 हॉस्टल, पूरा बॉयज़ हॉस्टल कवर कर दिया गया है। तो चारों हॉस्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हॉस्टल देख लीजिए, फिर सोशल साइंस फैकल्टी कैसा दिखता है उसका अनुमान लगाने के लिए अंदर बाहर क्लासेस कैसी हैं वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देख लीजिए। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस देख लिया तो अब हॉस्टल भी देख लीजिए। हॉस्टल चारों हॉस्टल ANDE, मूना देवी, पंडित ब्रिजनाथ और राजा राम। तो इतना देखने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं और भी कुछ देखा जा सकता है तो आप सजेस्ट करिए कमेंट में, मैं उस चीज़ों पे काम करूँगा। और पर्सनली इस चीज़ों पे काम किया जा रहा है, काफ़ी ढेर सारे कमेंट्स आने के बाद हर एक चीज़ों का रिप्लाई, हर एक चीज़ों की को मेंशन किया जाता है। और हम अभी स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट खड़े हैं तो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का भी वीडियो बनाया जा चुका है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस हमने कैसे ख़त्म किया। ख़त्म करने का मतलब कि ब्लॉगिंग कैसे ख़त्म किया। तो फैकल्टी देखिए, डिपार्टमेंट देखिए और हॉस्टल देखिए। एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि हॉस्टल मतलब निम्नलिखित फैकल्टी या डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट से उसकी दूरी, हॉस्टल की दूरी कितनी है, मतलब क्या स्टूडेंट को साइकिल रखनी पड़ेगी, बाइक रखना पड़ेगा या कार या हेलीकॉप्टर, कैसे वो आएगा जाएगा। तो इसी हिसाब से हेलीपैड भी बना है, मतलब आपके घर पे अगर हेलीकॉप्टर है तो आप BHU में हेलीपैड के थ्रू भी BHU में आ सकते हैं। तो इसी हिसाब से मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ और यही बोलना चाहूँगा, इस वीडियो का शीर्षक यही था कि फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस वालों को कौन सा हॉस्टल मिलता है। तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस वालों को 4 हॉस्टल मिलता है। ग्रेजुएशन का मूना देवी है, मास्टर्स का आप देख सकते हैं दो उंगली पकड़ा है, इसका मतलब ANDE और राजा राम है। और ब्रिजनाथ जो है वो रिसर्च स्कॉलर का हॉस्टल है, रिसर्च स्कॉलर का इंटरव्यू लिया है हॉस्टल में, क्या व्यवस्था है सारी चीज़ों के साथ, इसमें भी इंटरव्यू लिया है, इसमें भी इंटरव्यू लिया है, इसमें भी इंटरव्यू लिया है। वीडियो बड़ा लगेगा लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन के लिए मदद मिलेगी, क्योंकि कट ऑफ और सारी चीज़ों की बात हमने की है। तो दोस्तों इसी हिसाब से इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। जिस किसी को भी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी हो, क्योंकि संपूर्ण जानकारी क्या होती है, फैकल्टी देखना और सब हॉस्टल दिखा देना, हॉस्टल की दूरी दिखा देना। तो दोस्तों इसी हिसाब से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, जुड़िए हमारे इस नए सीरीज से। और एक नया सीरीज जो स्टार्ट करेंगे, मतलब कैन आई टेक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि हम BHU में कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, वो हमारे चैनल द नॉलेज स्कूप पे है। मिलते हैं नॉलेज स्कूप पे और स्टूडेंट लाइफ पे। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है वीडियो देखने के लिए। मिलते रहेंगे रोज़ाना, फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।